नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और चुनाव एक्सप्रेस आज कहां पहुंच गई है? चुनाव एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल बताने के लिए आज पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हम हैं, जहां हमारे साथ जुड़ी हुई है दुर्ग की जनता, जो देगी पिछले 5 सालों का हिसाब किताब, बही खाता खोलेगी, जो बताएगी कि यहां जो वादे किए गए थे 5 साल पहले वो कितने पूरे हुए, ऐसी कौन सी समस्याएं जो सालों से बनी हुई है, जिनको लेकर वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे और वादे हकीकत में तब्दील नहीं हुए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दुर्ग की जनता का। वही खाता खोलेगी ये जनता आज उन तमाम नेताओं का, जो बड़े बड़े वादे करके 5 साल में आते हैं, एक बार डोर टू डोर कैंपेन का दावा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान पोडियम पर जुड़े हुए हैं। कौन कौन है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं नीता लोधी जी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। पूर्व सांसद और दुर्ग लोकसभा प्रभारी बीजेपी नेता चंद्रलाल साहू जी हैं, स्वागत कीजिए। डॉक्टर संतोष रॉय हमारे साथ यहां पर हैं, जो बताएंगे सियासत का मिजाज इस समय कैसा है। और साथ ही हमारे साथ यहां पर बहुत ही शानदार ग्रुप है कलाकारों का, छत्तीसगढ़ के फोक आर्टिस्ट हैं ये, और क्या करते हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का परिचय देते हैं, अब आप खुद देखेंगे। मतदाता बहनी तुम जागो, मतदाता बहनी तुम जागो, जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई कीजिए। लोक धरोहर सांस्कृतिक संस्था, जिनके कलाकारों ने ये शानदार प्रस्तुति दी, और मतदाताओं के जागरूकता के लिए डायरेक्टर संस्था के महंत लीलाधर साहू जी। लीलाधर जी जरा आगे आइए प्लीज। क्या कहना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से? छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से मैं यही अपील करता हूं कि जो हमारे भगवान राम को, हमारे आराध्य को 500 साल बाद झोपड़ी से निकाल करके उनको उनके स्थान पर जो लाया है, जो धर्म की रक्षा किया है, उनको हम लाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। सवालों और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले जो राजनीतिक विचार विमर्श है उसकी शुरुआत हो जाए यहाँ पर। चंदूलाल साहू जी, सिटिंग एमपी पर दोबारा विश्वास दिखाया आपने, 5 सालों का हिसाब किताब दीजिए और बताइए कि क्यों जनता एक बार फिर उन्हें चुने। देखिए, देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद विकास और विश्वास का वातावरण पूरा देश में कायम है। विजय बघेल जी 5 साल में लोगों से मिले, लोगों के सुख दुख के भागीदार बने। इसके साथ साथ यहाँ जो महत्वपूर्ण मांग रही है, चाहे वो एम्स की हो, वो पूरा हुआ, एसआई हॉस्पिटल है, जो ये हवे में ब्रिज है वो मांग भी उसने पूरा किया। इसके साथ साथ यहाँ आईआईटी कॉलेज जो अभी उद्घाटन भी हुआ है, वो विजय बघेल जी की देन है। तो निश्चित रूप से विजय बघेल जी जो सक्रियता से काम किए हैं, उसके कारण पार्टी ने विश्वास जताया है, और उसके साथ साथ पूरे जनता का विश्वास हम अर्जित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विजय बघेल जी
भारी मतों से जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। विजय बघेल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तो उन्होंने खोल दिया नीता जी, अब आप बताइए राजेंद्र साहू कितनी चुनौती पेश कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के आगे और क्या उनके वादे हैं जिन पर जनता भरोसा दिखाए और उनको जिताए। सबसे पहले तो मैं आप सबको जोहार करते हुए प्रणाम करते हुए इस श्रमिक दिवस की और गोरेवासी दिवस की हमारे इस भिलाई नगरी की मिनी भारत में आपका न्यूज 18 का स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश में पहला ये प्रोग्राम है आपका और छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत के रूप में हम लोगों ने यहाँ गोरेवासी दिवस बनाया और आपने भी हमारी संस्कृति सभ्यता को यहाँ परिलक्षित किया। यह संस्कृति सभ्यता इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने इस संस्कृति को भुला रखा था, शुरुआत नहीं की थी। कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद छत्तीसगढ़ को राज्य गीत दिया, छत्तीसगढ़ को पहचान दी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया और अपने अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। जहां एक और हमारे लोकसभा में राजेंद्र साहू जी की बात है तो निश्चित तौर पर एक युवा चेहरा है, ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में 132 नए बैंक केंद्र खोले गए, किसानों के लिए खरीदी केंद्र खोले गए, शुरू से लोगों के सुख दुख के साथी रहे और हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ मैदान में है, जिससे कि किसानों को न्याय मिलेगा, श्रमिकों को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, भागीदारी का न्याय मिलेगा। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और पूरे भारत देश के अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भुक्त भोगी रहे, जैसे उनके दाम दुगने होने का वादा किया था, उनके दाम दुगने नहीं हो पाए, उनके कृषि उपकरणों में जीएसटी लगा दी मोदी सरकार ने, उनका एमएसपी तय नहीं किया गया, लोगों को केवल छल किया गया, महंगाई कम करने के वादे किया गया और एक भी वादे को पूरा नहीं किया, शिक्षित बेरोजगार हताश परेशान रहे। सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो हुआ वो हमारे भारत देश में हुआ, जिसको और लोकतंत्र के जनता के बीच बहुत से हाथ उठ रहे। मैं आऊंगी, देखिए ये मंच, यकीन मानिए कि आज राजनेता कम बोलेंगे आप ज्यादा बोलेंगे, लेकिन पहले जो पोडियम पर है उनसे एक एक सवाल की हम शुरुआत कर लेते हैं। बोरेवासी का यहाँ पर जिक्र किया, कभी हाँ कभी ना बीजेपी डिलेमा में नजर आई और ये सवाल का जवाब और साथ ही सियासी समीकरण। मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि जनता जनार्दन है और जनता सब देखती है कि कितना कहां कब कैसे विकास हुआ है। भिलाई जो है शिक्षित लोगों की नगरी है और दुर्ग में जो आप यहां पे जो कार्यक्रम करा रही हैं या बता रही हैं, यहां पे चुनावी रथ यहां तक पहुंचा है, तो मैं ये कहूंगा कि लोग ये देखते हैं कि IIT कहां से आया, एम्स कहां से आया और किसने लाया। तो जनता इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगी किस तरीके से विकास हुआ। रही बात थोड़े से प्लस और माइनस की, तो इस प्लस माइनस में लोग यह भी देख रहे हैं आज के डेट में कि 500 साल तक इंतजार करने के बाद श्री राम को किसने लाया और कैसे पहुंचे। आज IIT एक ऐसी संस्था, IIT जो यहाँ पे भिलाई में इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, और IIT की जो संस्था बनी, संस्था में जो शिक्षित बच्चे हैं आज IIT से एक टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में भी निरंतर विकास हो रहा है। तो जनता जनार्दन है जो चुनेगी और ये उंगली जनता के बीच ही पहुंचते हैं। दो निर्दलीय प्रत्याशी भी हमारे यहाँ बीच में है, जरा वो खड़े हो जाए प्लीज। हाँ सर। मैं निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, मेरा चुनाव चिन्ह है। सर प्रचार का मंच नहीं है ना सर, सॉरी। पहले तो मैं दोनों पार्टी के, कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 340 इनके लिए अभिशाप क्यों बन गया है? आर्टिकल 340 पर मैं इनसे जवाब चाहता हूं। और रही बात राम मंदिर की, तो राम जो है ना सबका है, केवल भारतीय जनता पार्टी का राम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक टोपी लगी हुई है, एक मिनट, बेरोजगार आपने टोपी लगाई हुई है क्यों, नाम क्या है आपका? मैं अली हुसैन सिद्दीकी, मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, CTVCL मेरा। फिर आप प्रचार करने लगे। मेरा ये कहना था कि ये भिलाई स्टील प्लांट है और इस भिलाई स्टील प्लांट में इस राज्य के कितने युवाओं को नौकरी इन 10 सालों में मिला है। यहाँ पे बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है कि जिस भिलाई स्टील प्लांट का न्यू हमारे बाप दादाओं ने रखा था, उस न्यू में हम बच्चों को आज काम करने का, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में काम करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। ये IIT की बात करते हैं, उस IIT में भिलाई के या छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे हैं? 109 लोगों का चयन हुआ, जिसमें एक भी लोगों के, छत्तीसगढ़ के लोगों का चयन नहीं हो पाया है, उस IIT का क्या मतलब? जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, आपको पता ही होगा हाल ही में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो खुलासा हुआ, इसमें 600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी ने जो अपने चंदा लिए बीप काटने वाली कंपनियों से, इसका जवाब दे बीजेपी। मैं उनसे मत से माध्यम से जवाब काटने वालों से पैसा लेते हैं, गाय काटने वालों
ये पहले जो है धोखे की बात कर रहे हैं, तो गांधी सरनेम लगा के धोखा देश को किसने दिया ये पहले बताएंगे मेरे को। और यहाँ पर ये गांधी को पहले समझ लें माननीय बीजेपी के प्रवक्ता, जिस पार्टी ने जो जय श्री राम का नारा दे रही है और गाय काटने वाले से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया है, मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये किस मुंह से जय श्री राम का नारा देते हैं? कांग्रेस पार्टी चाहे इस प्रदेश में आई हो चाहे देश में आई हो, जब जब आई है केवल भ्रष्टाचार किया है। पिछले 5 सालों में इस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नहीं केवल कटोरा रह जाता छत्तीसगढ़ के पास, इतना भ्रष्टाचार किया, उसका पहले जवाब दे तब ठीक है। जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपका जवाब और आपसे करप्शन पर। पहली बात तो ये वही सवाल था ना इलेक्टोरल बॉन्ड का। छत्तीसगढ़ प्रदेश को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया और उसके बाद 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ का बहुत शानदार विकास हुआ। ये 5 साल जो कांग्रेस सरकार आई वो सिर्फ धर्मांतरण किया, भ्रष्टाचार किया और कोई प्रकार से विकास नहीं हुआ। गाय हमारी माता है, गाय का हम पूजा करते हैं, किसी भी स्थिति में गाय के साथ अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो ये मिनी भारत है हमारा, निश्चित तौर पर किसकी देन है? हमारा कांग्रेस की देन है, हमारे नेहरू जी की देन है। ये पहुंचा था वहां नागपुर में बनने वाला था स्टील प्लांट, यहाँ बनाया गया क्यों? आईटी सेक्टर की आप बात करते हैं, आईआईटी लेके आए हैं तो आप क्यों लेके आए? क्योंकि कांग्रेस की देन है। अरे जिस जगह आपने पढ़ाई की ना वो कांग्रेस की देन है। आ गया। मैडम नेहरू जी की देन है तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, उनकी क्या देन है? आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुन नहीं पाया। अभी गौ माता की बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लिया गया बीफ काटने वाली कंपनी से, उस पे क्या कहना चाहेंगे? सुना नहीं आपने सवाल। भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, इतने शौचालय बने जिनसे वो घर घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। 2014 के बाद जो महिलाओं की संख्या आई है लापता होने की, उसका क्या बोलेंगे? मणिपुर आज भी जर रहा है। 3000 औरतों का बलात्कार किया है। महिला कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा एक बात कहती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहना सही होगा कि वॉशिंग मशीन में डालने के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो सुधार। मैम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो कांग्रेस में रहकर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो पारदर्शिता है। अगर राजनीतिक रूप से अगर कोई चंदा दे रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, जो कि आज तक चंदा मिलता था, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी लेकर 400 पार। मैडम अगर मोदी जी आएंगे तो जो 400 रुपए का है वो 4000 हो जाएगा, क्या ऐसा है क्या? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, वो बता रहे थे कि 500 साल के बाद राम यहां पे आए। मैं ये बोल रहा हूं कि आज इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर हैं, उनका न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगा? और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले जो हायर पेंशन के लिए निर्देशित किया था, जिसे अब अटका दिया गया और पूरे पैसे को वापस कर दिए लोगों के पेंशनर का, उसके ऊपर वो क्या जवाब देंगे? ठीक है, यहाँ पर एक और टोपी धारक है आप। मैडम मेरा एक जानकारी है और मैं सभी से सवाल करना चाहूंगा, यहाँ भाजपा के भी लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भी लोग मौजूद हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर पर मैं काम कर रहा हूँ, बैंक RBI भारत सरकार और जितने विपक्षी दल हैं सब लोग मिल करके आम देश की जनता को ठग रहे हैं। कैसे ठग रहे हैं? देश में करेंसी है 34 लाख करोड़ और RBI ने बैंकों के माध्यम से पैसा बांटा है 85 लाख करोड़, केवल सरकारी बैंकों का बांटा है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का करोड़ों करोड़ों का कर्जा है और देश इतना कर्जे में परेशान हो चुका है उसकी कोई हालत नहीं है। कांग्रेस के समय भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज के डेट में 255 लाख करोड़। आप नोटा प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए नोटा पर वोट कर रहे हैं, कर्जा। मैं पूरे भारत देश के बहुत ज्वलंत मुद्दे पे माननीय साहू जी से प्रश्न कर रहा हूं कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है पूरे देश में, आपके गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और आप स्पष्ट देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जब तक साहू जी आपका नाम है साहू जी
आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, आपका नाम है साहू जी, नहीं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सवाल उनका उनसे था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, वो लागू रहेगा। और जो अमित शाह का जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो उसको मैं काट छांट किया गया है जिससे समय FIR दर्ज भी हुआ है। देखिए पूरे विपक्ष में हताशा का दौर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, सब ने मन बना लिया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, उसका बड़ा कारण बता रहा हूँ। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माइक मेरे हाथ में रहेगा। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। उनने अगर शौचालय दिया तो सबको दिया, उनने राशन दिया तो सबको दिया, उनने आवास दिया तो सबको दिया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। मैम अंग्रेजों की बनाई हुई इनकी कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों के 6 और उनके अध्यक्ष रहे हैं उनकी मानसिकता अभी भी अंग्रेजी और लेनी जा रही है। सैम पित्रोदा का अभी जो उनके मैनिफेस्टो का बचाव को करते हुए जो उनका बयान आया है कि वो 55% जायदाद धनी लोगों की वो सरकार। एक मिनट देखिए, सब लोग हैं यहाँ पर, 400 लोगों को कवर करना है मुझे। आप बार बार नहीं आएंगे, आप बार बार नहीं आएंगे ना। एक ही मैडम है ये कांग्रेस आ गया, ये एक ही आदमी के पास माइक बार बार नहीं घूमेगा, बाकी लोगों का इंसाफी होगी। रुक जाइए, आप 5 सवाल पूछ। मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि इतना काम किया, IIT लाया, बहुत सारी चीजें लाई, उसके बाद भी देश के एक एक राज्यों से बिहार UP जहां भी आप चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, हर जगह से कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? देखिए आपने IIT IIM के लिए कहा तो ये 1956 में बन गया था एम्स और 1951 में बन गई थी IIT। तो शुरुआत जो की थी कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी इसकी, और आरक्षण के आरक्षण का विरोध जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग करते हैं। 2015 में मोहन भागवत जी ने इसका विरोध किया था, 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने किया था, CP ठाकुर जो सांसद थे 2018 में इनका विरोध किया था हिमाचल के। मैडम मैं एक कविता इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे, सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे, बॉन्ड आएंगे तो काला धन बना पाएंगे, ED वाले जाएंगे तो भाजपाई चंदा पाएंगे, OCBI वाले जाएंगे तो भाजपाई चंदा पाएंगे, सब भाजपाइयों के भाग खुल जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बोल ये लोग रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री खुद घोटाले में जेल में है, उस पर जवाब दें। क्योंकि वहां से शायरी आई है तो शायरी का जवाब भी जरा शायराना अंदाज में हो जाए। प्रबंध जी हमारे बीच में रुक जाइए, शांत हो जाइए सर, माइक तो मेरे हाथ में। नहीं ठीक है, सॉरी, यहाँ माहौल बहुत गर्मा गर्म हो गया है। बस मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि भिलाई बहुत पहले इस बात की घोषणा हुई थी कि भिलाई स्टील सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा, तो कौन सी पार्टी इसको हमको ये करवा पाएगी, इस बात की जानकारी हमें दे दी जाए। और दूसरी बात ये कि भिलाई इस्पात संयंत्र, जैसे सभी कह रहे हैं मिनी इंडिया है, भिलाई इस्पात संयंत्र में इतनी रेल पातों का निर्माण होता है कि पूरी दुनिया को 7 लपेटा जा सके। तो भिलाई के नाम से कोई भी ट्रेन नहीं है कि भिलाई के नाम से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू होगी, ये 2 मांगे कौन सी पार्टी पूरी करेगी ये बता दिया जाए। मुझे लगा कि आपको सुनाने वाले हैं। मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। एक मिनट, ट्रेन का जवाब सवाल था उनका, और स्मार्ट सिटी स्पात सिटी। देखिए मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे नई ट्रेन चली है, और वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, और मांग अभी आया है, उसे तो मैं कोई घोषणा करने का अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन नई नई ट्रेन चल रही है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, आपके पीछे हाँ ठीक है ना जी जी रे, आपने तो रेलवे को बेच दिया, आप भिलाई के नाम से क्या ट्रेन बनाएंगे बताइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे कि गाय काटने पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी एक बात और पूछना था, इतने सारे इंसान हैं जिनके कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पे 52 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने चंदा लिया, क्यों लिया अगर वो कंपनी बाकी लोग कवर नहीं हो पाएंगे। आइए सर, आगे आइए सर। परम आदरणीय चंदू साहू जी बोल रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है
कि विजय बघेल जी को हम लोगों ने कम से कम 10 बार आवेदन दिया होगा कि सारनाथ दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को रोज चलाया जाए और दुर्ग बरौनी से जो ट्रेन चलती है गोंदिया तक उसको रोज चलाने के लिए कम से कम 10 बार लेटर दिया गया होगा और इसके संबंध में धरना भी दिया गया होगा, लेकिन आप जैसे जनप्रतिनिधि लोग आपकी सरकार रहते हुए भी उसका निराकरण क्यों नहीं की, इसका आप जवाब दें। ठीक है मैडम, 70 साल तक तो हमने कांग्रेस से सवाल किया है, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत सीधा है, भिलाई के जनता के लिए, भिलाई के कर्मियों के लिए सबसे अहम सवाल है कि उनके वेतन समझौता में जो सरकार की शर्त लगी हुई है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की शर्त, उस शर्त को अगर आपने हटा दिया होता तो जो 88 महीने से जो वेतन समझौता अटका हुआ है वो क्लियर हो गया होता, तो आपने क्यों नहीं हटाया। दूसरा जो मेरा बहुत अहम सवाल है, आप लोग हर अहम सवाल आखिर में क्यों आया, पहले आना चाहिए था ना, वो पूरे देश से संबंधित है, ये यहाँ का है कि आप वंदे भारत का श्रेय लेते हैं, आप एम्स का श्रेय लेते हैं, आप आईआईटी का श्रेय लेते हैं, लेकिन इन सब में लगने वाला जो लोहा है वो लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र से बन रहा है और वो भिलाई इस्पात संयंत्र दिन ब दिन वो खत्म होती जा रही है। जो ट्रेन है वंदे भारत जिस पर जल्दी से है, वो ट्रेन की सारी पटरियां भिलाई स्टील प्लांट से निकली है, उसके जो कोचेस है वो कोचेस भी आपके पब्लिक सेक्टर के हैं, लेकिन आप सारे पब्लिक सेक्टर्स को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। तो क्यों पब्लिक सेक्टर को क्यों खत्म कर रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ आलोक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हरी भूमि के, सर बहुत स्वागत है आपका, सर जवाब देखिए कोई सवाल मैडम बीजेपी की सरकार से है ना, उनका जवाब भी आप देंगे क्या? वैसे ही कांग्रेस को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट हमारा गौरव है और ये बात सही है कि यहाँ इतना रेल पाते तैयार हो रही है, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और कोई प्रकार से ट्रेन समाप्त नहीं हो रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रल ब्रांड पार्टनर प्राइवेट सेक्टर क्यों कर दिया, कोई बिक्री नहीं हुई है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं, हर पार्टी को चंदा मिला है, उसमें पारदर्शिता आया है, भारतीय जनता पार्टी से कोई घोटाला नहीं किया है। ठीक है आलोक जी, क्या टेम्परामेंट देख रहे हैं आप दुर्ग का? दुर्ग का वातावरण तो बहुत गर्म है चुनाव का, और यहाँ 21 लाख मतदाता हैं अपने दुर्ग लोकसभा में, 9 विधानसभा है और भाजपा से विजय बघेल जी मैदान में हैं, कांग्रेस से राजेंद्र साहू हैं, लेकिन अभी जो फौरी तौर पे चुनाव का जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार में काफ़ी तामझाम से आगे है, कांग्रेस गोरिल्ला युद्ध लड़ रही है दुर्ग में सामाजिक वोटरों को साधने की कोशिश कांग्रेस गुरिल्ला। सर आपकी बारी हो गई, कोई और बोलना चाहता है? एक सवाल लेना सर, हर बार फिर बीजेपी फिर कांग्रेस बोलेगी कि मुझे जवाब नहीं दे रहे, एक मिनट पीछे एक युवा है, आइए। अभी थोड़े देर पहले आपने कहा बीएसपी ने कांग्रेस, ये जो कांग्रेस जो है उन्होंने बीएसपी बनाया, तो देश जब हमारा विभाजन हुआ उसका जिम्मेदारी किसका होगा? मोहम्मद अली जिन्ना किसका होगा? उसके बाद सुनिए, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक साहू। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/7/2003। 2003 के बाद क्या हुआ देश में? 2030 के बाद मैम 2003 के बाद 2003 के बाद बहुत कुछ हुआ, जैसे कांग्रेस थी 2014 तक का, तो 14 तक का तो इतना ज्यादा इन लोगों ने, पहली बात तो बोलने दीजिए, बच्चा है वो, बोलने दीजिए उसे। देखिए दिक्कत क्या है कांग्रेसी का भी, जैसे मैडम ने आरएसएस वालों पे सवाल किया, तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है। कर्नाटक में जब नेहा के साथ जब रेप होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? बता रहा हूँ मैडम, बता छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बताइए, वो अब हाथरस पर जाएंगे सर। पहले हम लोग स्कैम की बात करते थे, आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये ऊर्जा वहाँ से आ रही है जो सम्मान बढ़ रहा है, जिसके अंदर से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इससे आ रही है। ये मैं रखना चाहूंगा, अरे अरुण गगन पर महाप्रगति का मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, ये किया मोदी जी ने, ये किया, ये पुष्प मैं तो अभी ना ट्रेन की बात करूंगा मैडम, मैं बात करूंगा जो अभी पाजी ने केजरीवाल, मैं सुनो बाहर जाओ यहाँ से, उपद्रव करने आए हो क्या यहाँ पर? राम का नाम लेते हो उपद्रव कर रहे हो,
जी मैं अभी किसी मुद्दे की बात न करते हुए आपको ही बोलूंगा, अभी कुछ क्षण पहले हमारे आपके संयोजक सिद्धार्थ जी ने आपको कविता के माध्यम से एक टिप्पणी सुनाई थी, उन्हीं पे बोल रहा हूँ मैं भी कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन कन्हैया, अरे तुम बलदाऊ के छुट भैया, यहाँ केजरीवाल है बड़े भैया रे, कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन की, यह जय श्री राम। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने सब कुछ किया तो इतनी बुरी गति हुई क्यों? ठीक है नीता जी, अब आप पर लेकर आ रही हूँ माइक, में आपको इंतजार था ना बोलने का, बताइए। देखिए अभी तो कांग्रेस ने लोगों को सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया, लोकतंत्र को जिंदा रखा ताकि आप और हम यहाँ बोल सके। और हमारे आज सांसद की निष्क्रियता ऐसी है, जिस हम मिनी भारत भिलाई स्टील प्लांट में यहाँ रहते हैं, राव घाट परियोजना आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई। आप दीपम की साइड में देखेंगे नगरनार प्लांट आज भी बिकने के लिए तैयार है, वो दिन दूर नहीं कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच दे, एसीसी बिक चुका है स्टील प्लांट बेच दे, और जो सेक्टर 9 का हॉस्पिटल जो मध्य भारत में अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता था वो आज खुद बीमार अवस्था में। एसीसी बिक गया, कुर्सी छोड़िए जी, कुर्सी छोड़िए, एसीसी बिक गया है मैडम, अदानी ने ले लिया एसीसी, इसी भिलाई का एसीसी है, भिलाई स्टील प्लांट, मान के चलिए अगर सरकार आ गई तो बीएसपी भी नहीं बचेगा। अभी एसीसी देखिए, माइक मेरे हाथ में रहेगा। भिलाई को शिक्षा दानी कहा जाता था, लेकिन आज रोजगार बिल्कुल नहीं है, शिक्षा के क्या हो गया, शिक्षा दे मुझे राजनीति तो पता नहीं, माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा रोटी नहीं देता है। हम शिक्षा धानी में बैठे हुए हैं, परंतु आज बुजुर्ग बोझ बनते जा रहा है, आज ये सामाजिक समस्या बढ़ते जा रही है। मैं मंच पर जितने भी सम्मानित है, मैं ये जवाब चाहता हूँ कि वरिष्ठ जनों की समस्या का समाधान के लिए हम क्या करें। ठीक है मैडम, एक औपचारिकता बची है, जितनी यहाँ बातें हो रही है एक औपचारिकता बची है, सभी से निवेदन करूंगा वोट करने जाएंगे, विजय बघेल जी जीत रहे हैं और अब की बार 400 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या है ये, सेव लद्दाख एंड हसदेव। मेरा सवाल ये है कि आखिर मोदी जी ये लद्दाख मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पश्मीना मास जो होने वाला था और पश्मीना मास से जो दिखाने वाले थे सोनम वांगचू जी, उसे लेकर के उनको क्यों जाने नहीं दिया गया? अगर देश में लोकतंत्र बची हुई है तो पश्मीना मार्च करने दिया जाए, और ये साबित होगा। हसदेव का भी एक मुद्दा है तो हसदेव के मामले पर भी ये भिलाई जहां आप लोग सब आए हैं, सभी राज्य से लोग, उनको आने का अवसर किसने दिया इस भिलाई में, छत्तीसगढ़ में? और बात रही हसदेव की, बीजेपी सरकार पूरे जंगलों को काट कर वहां के स्थानीय लोगों का विस्थापन करना चाहती है और यहां के कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को गुलाम बनाना चाहती है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वह आतंकवाद से निजात पाए और नक्सली गतिविधियों से निजात पाए। हमारा देश विगत 10 सालों से इन समस्याओं से दूर हो रहा है और वह विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब भाजपा को सपोर्ट करें। मैम आगे आ जाइए, किसने आवाज लगाई थी? मैडम मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन अभी तक के रोजगार नहीं मिला है, रोजगार लोगों को रोजगार देना चाहिए। नहीं मैडम, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और आगे करेंगे, ये हमें उनसे उम्मीद बनती है, लेकिन लोग उनको समझना नहीं चाहते, ये उनकी कमियां हैं जो नहीं समझना चाहते, लोगों की कमियां। 2014 से है अभी तक के शासन में, हमें हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं हमारी उम्मीद खत्म हो गई। एक मिनट इधर चली जाऊं मैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैम फिर सुजल गुप्ता। तुम्हारा पेन छीन लूं मैं, बैग छीन लूं तुम्हारा, निकालो बैग मुझे दो। मैम सुजल गुप्ता मेरा नाम है, मैं संतोषा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। मैम एक्चुअल में जिस पार्टी का क्या बोलते हैं कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं है, वो आगे चल के क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें कि वो विकास करेगी? किस पार्टी का? कोई भी अलायंस मैम, जिस अलायंस में ही इतने सारे लीडर हैं आपस में ही झगड़ रहे हैं, आगे चल के क्या? कौन सा अलायंस मैम? इंडियन अलायंस। नाम लेने डर क्यों रहे हो? जी मैम, जी मैम, इंडी गठबंधन में खड़े हो जाओ।
इंडी गठबंधन में नेता कौन होगा ये मेरे को जवाब चाहिए बस। किनको प्रधानमंत्री बनाएंगे डिसाइड कर ले वो, किनको ये प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या राहुल गांधी इसके लिए है तैयार? मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी लोकतंत्र की बात की, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जिस पार्टी में खुद की लोकतंत्र नहीं है, लोग खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे छोड़ के भाग रहे हैं, उनका तंत्र ही नहीं है। तंत्र ही नहीं है आपका, आपकी पार्टी में अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। और गठबंधन का मुखिया कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए अभी तक आप भारत देश में हो और भारत में संविधानिक व्यवस्था लागू है, इसलिए जब चुनाव होंगे, चुनाव जीत के आएंगे, जब सभी सांसद चुन के आ जाएंगे, उसके बाद तय होगा कि उनका नेता कौन होगा। वो कह रहे थे हसदेव के ऊपर। कांग्रेस पार्टी परिवार और तुष्टिकरण सिद्धांत के कारण आज समापन की ओर है। इनके हसदेव के ऊपर, इनके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। हसदेव वाली बात है तो वहाँ कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। वास्तव में लोकतंत्र का कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये लोकतंत्र समाजवाद की बात करते हैं, 1975 का वो आपातकाल को याद कर ले। वो कह रहे हैं, वो सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। 1975 का आपातकाल को याद कर लो, जिसमें मिसा के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, जहाँ उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये आपातकाल की बात करने वाले, आपातकाल को उसी समय समाप्त। सर हटो, सर आपसे। सर मैं भाजपा से ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, ये लोकसभा 9 विधानसभाओं को कवर करता है, और इस 9 विधानसभाओं के अंदर में आने वाले ग्रामीण मजदूर है जो लगातार अलग अलग फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में जाके काम करते हैं और भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, भाजपा की सरकार आने के बाद में क्या उन मजदूरों को हम किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा दे पाए? सामाजिक सुरक्षा देखिए, मोदी जी के आने के बाद रोजगार के लिए श्रम युवक अपने रोजगार शुरू करे, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 10 लाख तक सीमा था उसको 20 लाख कर दिया गया, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उसको कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उसके बाद वो रोजगार स्वयं खोल सकता है। तो कोई भी बेरोजगार इसका योजना का फायदा। बेरोजगार मैडम, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। श्रम कानून में इन्होंने ऐसा परिवर्तन किया कि जिसको हद नहीं। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री 2014 से कांग्रेस जप रहा है, आज भी कांग्रेस को ही जप रहा है। भैया धीरे बोलिए, गला फट जाएगा। पारदर्शिता वाला इलेक्ट्रोल बोर्ड था, देश में कांग्रेस खत्म होते जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं, अब से कांग्रेस को झटका कांग्रेस बोला जाएगा। जैसे कि मोदी जी गारंटी देते हैं, वैसे ही हम गारंटी देते हैं, ये जितने हल्ला कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले वोट देंगे जाके। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पिछले मैनिफेस्टो में इन्होंने 72,000 रुपए देने की बात की थी, और अभी ये लोग 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, वो कहां से देंगे, कैसे करेंगे? बार बार एक ही आदमी थोड़ी आगे आएगा, नहीं। मैम ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जो चीज इसके पहले भी सवाल किए, एक ठोक तो वेतन समझौता से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा जो पेंशनर से उससे जुड़ा मामला, उनके ऊपर वो उत्तर देते नहीं। तीसरा एक और मामला है, जो भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले लोगों का ग्रेजुएटी को सीमित कर दिया गया। मामला इसीलिए ये उठ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट और उसका सराउंडिंग एरिया इसीलिए फलता फूलता है जब यहां पर क्रय शक्ति बढ़ती है, और क्रय शक्ति खत्म करती जा रही है अभी जो केंद्र में सरकार है। क्रय शक्ति यदि खत्म होगी तो भिलाई का हालत खराब होगा। ठीक है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस भाजपा दोनों से ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बोलते भूपेश बघेल जी ने गंगा जल की कसम खा के कहा था कि मैं दारू बंद करूंगा। वो पूरा 5 साल बीत गया, वो 5 साल में उसका कोई महत्व रहा ही नहीं इस गंगा जल का, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। और अब विष्णु जी साहे जी मुख्यमंत्री बने हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, वो नया दारू लॉन्चिंग किए हैं, हाँ साए साए करके। गंगा जल लेकर कसम खाई थी, क्या हुआ, और नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भूपेश सरकार जो बेतहाशा 2 कॉन्ट्रैक्ट खोलकर के जो शराब नीति लागू किया था, जिसके कारण से 2,000 करोड़ रुपए किसने घोटाला किया और बहुत से इनके लोग जेल में हैं। अब उसके बाद नया नीति बना करके लाया जा रहा है, कोई दारू लॉन्च नहीं किया जा रहा है।
क्या बोल रहे हैं? प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न ये, क्या हुआ गंगा जल की जो कसम खाई थी, राजस्व की मजबूरी थी क्या, और जो हुई गंगा की नाम से याद आता है जो कोरोना काल में सैकड़ों हजारों लाशें बहती थी, वो कोविशील्ड याद आता है गंगा की सफाई का क्या हुआ, वो भ्रष्टाचार याद आता है जो कोविशील्ड में क्या, वो भ्रष्टाचार याद आता है जो हमारे सांसद में अभी फ्लाईओवर चालू नहीं हुआ, फ्लाईओवर बंद हो गया, फ्लाईओवर चालू नहीं हुआ, फ्लाईओवर बंद हो गया। मैडम ये जो हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं, उनका एक बहुत अच्छा भाषण वायरल हुआ था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है ना? तो ये जो अडानी को बेच रहे हैं ये इनके मामा है क्या? ये जो अडानी को बेचा यहीं पे एसीसी में, इनके मामा है क्या? देश कैसे नहीं बिका है मैं जानना चाहता हूँ। देश बिका है, हर जगह बिका है, बस प्राइवेटाइजेशन के नाम पर अडानी और अंबानी। कांग्रेस कह रही है छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, अगर विकास हुआ होता तो ये दोबारा सरकार में क्यों नहीं आते? और सुनिए मैडम एक मिनट, और ये जितने कांग्रेसी बोल रहे हैं वो ये वही बोल रहे हैं जो मोदी जी का दिया हुआ आवास में रहते हैं, मोदी जी का भोजन किए करते हैं। और सुनिए बहुत ताली बजा रहे हैं, एक मिनट जाइए, आपका डन हो गया क्या? तुम आता हो फिर। मैं राकेश साहू दुर्ग लोकसभा से न्याय धर्म सभा का, ये प्रचार करने का मंच हो गया आपके लिए, मुद्दे बताइए। प्रश्न कर रहा हूँ और यहाँ मेरा प्रश्न है भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी और सारी अतीत की पार्टियों से कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में 40% अपराधी थे संसद में, इस बार भी सारी पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो जो पार्टियां अपराध मुक्त प्रत्याशी देने की सामर्थ्य नहीं रखती, जो पार्टियां अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? आगे आइए आपसे नहीं, आप बस देखेंगे बोलेंगे नहीं। मैम मेरे आगे आ जाइए प्लीज, वो ना ऑडियो ग्लिच होता है, आगे आ जाइए। हाँ जी, संक्षेप में बोलिए, सभी को कवर कर पाऊं। थोड़ा अटपटा सा सवाल है, हम सभी समझते हैं कि हम सब इंसान हैं तो कोई भी 100% सही नहीं है, परंतु आज क्या हुआ है, इतने सालों की पॉलिटिक्स देखते देखते पॉलिटिक्स तो घर घर और नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुंच गई, बट वो जो नेगेटिविटी थी, जो ध्रुवीकरण था, वो भी आज हम सबके मन में आ गया है। आप किसी से कुछ सवाल पूछते हैं वो उनका जवाब सवालों में ही देता है, तो जवाब खत्म हो गए, डिस्कोर्स खत्म हो गया है, तो हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। ये जो नेगेटिविटी है, जो ध्रुवीकरण है, क्या कोई पार्टी है जो उस ध्रुवीकरण को कभी खत्म कर पाएगी, हमारे दिल से जो एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई है? बहुत बढ़िया। हाँ मेरा सवाल यही है, शॉर्ट में मेरा सवाल यही है कि जो शॉर्ट में, अरे शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ भाई, आप बहुत शॉर्ट कर देती हैं, जो राजनीतिक दल अपराध मुक्त प्रत्याशी नहीं दे पाए, अपराध मुक्त संसद नहीं, वो तो गया अपराध मुक्त, नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास, इतना लंबा समय नहीं है, नहीं। 2014 के पहले का हिंदुस्तान, ये अपराधियों से बचा, ये राजनीतिक दल अपराधियों से कैसे बचा सकते हैं जब अपराधी संसद, मतलब ये चुनाव नेता 2014 के पहले के हिंदुस्तान और 2014 के बाद के हिंदुस्तान को देख लेंगे, तीन कांग्रेसियों को समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने क्या क्या विकास किया, और निश्चित रूप से आज पूरा भारत देश पूरा विश्व का सिरमौर बनने जा रहा है, और 2047 तक भारत देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प, 2047 की बात करें, 47 की, आइए सर हटिए माइक मेरे पास। हाँ मैडम, अभी कांग्रेस बोल रही थी कि राम भाजपा का है क्या, ये कांग्रेस वाले भूल रहे सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिए थे, और कांग्रेस वाले वकील खड़े करके, वकील खड़े करके। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रतिनिधि से, आपने वादा करके आया था कि सबके पॉकेट में 15 लाख रुपए भेज देंगे, कहाँ हैं? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, भिलाई स्टील प्लांट में रोजगार बंद है, बहुत बड़ी 45 साल के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है, कल कारखानों को बेचने के लगे हुए हैं आप, इसका जवाब ठीक है। एक मिनट, पहली बात, एक सवाल तो वो नेगेटिविटी पर था, नेगेटिविटी खत्म करने के लिए क्या करेगी बीजेपी सरकार? देखिए उसने पूछा है, जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय ये काला धन के रूप में विदेश में जमा था, तो मोदी जी ने उस समय कहा था कि ये पैसा अगर हमारे भारत देश में आएगा तो सबके जेब में 15 लाख जा सकता है,
ये पूरा काला धन वापस आ गया है और उससे अब हमारे भारत देश का अच्छा विकास। वो कह रहे हैं काला धन वापस आ गया, आखिरी मिनट है। जी जी जी, काला धन वापस नहीं आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में काला धन वापस आया है। मैं किसान हूँ, ये कांग्रेस भूपेश बघेल बताई जो हमारा एक बार का बोनस जो दबा बैठे हैं, वो अपना घर बेच के देंगे क्या? हमारा बोनस मैडम, जैसा अभी लोग बोल रहे थे कि ये शिक्षा धानी है और आईआईटी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ खोले गए हैं, मैं बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेताओं से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ इन्हीं आईआईटी और ये इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के लिए एक एक बच्चे को प्रति उसमें 84,000 रुपए का कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना पड़ता है, तब जाके उनको मिलता है। इतना ही समय था मेरे पास, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तमाम सवाल लेने की कोशिश करी मैंने और चुनाव एक्सप्रेस का सफर लगातार चलता रहेगा। जनता को तय करना है कि वो किसको चुनती है अगले 5 सालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।